सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर को एक और सेंट्रल स्कूल मिल गया है। ये स्कूल IIT इंदौर में खोला जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने 27 जून 2019 को लोकसभा में ये विषय उठाते हुए 3 और केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने मंजूरी दी है। इंदौर में अब कुल 3 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को धन्यवाद दिया है और इंदौर की जनता को बधाई दी है। सांसद ने कहा कि हमने 3 और केंद्रीय विद्यालयों की मांग की है, जिसमें से एक स्कूल की स्वीकृति मिल गई है और अब 2 और स्कूल के लिए प्रयास करेंगे। इंदौर की लगातार बढ़ती आबादी के साथ ही यहां केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय 2 ही थे, जिससे बच्चों के एडमिशन में दिक्कत होती थी। केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बेहद अच्छा माना जाता है और इसकी फीस भी काफ़ी कम होती है, इसलिए कर्मचारियों के अलावा अन्य नागरिक भी बच्चों का एडमिशन यहां करवाना चाहते हैं। सांसद लालवानी ने पिछले साल संसद के अनुशंसा के आधार पर होने वाले 10 एडमिशन की जगह 50 एडमिशन की मांग भी की थी। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की ओर दिलवाना चाहता हूँ। इंदौर की पॉपुलेशन 28 लाख से ज़्यादा हो गई है और ये बड़े दुख की बात है कि वहाँ 2 ही केंद्रीय विद्यालय हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बहुत सारे विभाग हैं और ये मांग लंबे समय से की जा रही है कि वहाँ 3 विद्यालय और खोले जाएं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सेंट्रल स्कूल के 3 विद्यालय खोले जाएं। और दूसरी ये मांग है कि अगर जब तक खोले जाएं उसमें जो स्कूल 2 चल रहे हैं उसमें ही कक्षाएँ बढ़ाई जाए, सत्र बढ़ाए जाएँ। और तीसरी ये भी मांग हो सकती है कि 2 शिफ्ट में भी किया जा सकता है ताकि छात्रों को एडमिशन मिल सके। आज इंदौर वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक और स्कूल, केंद्रीय स्कूल की सौगात हमें दी है। मैं पूरे इंदौर की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इस सौगात के लिए इंदौर वासियों को भी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।